ये जो लिक्विड है ना हमारे सभी प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी सर्दियों में ना आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाकर अगर अपने प्लांट्स पर डालेंगे ना, तो आपके प्लांट्स पर इतना फूल और कलियां आएंगे, आपका जो छोटा सा भी प्लांट होगा ना फूलों से भर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है ना फ्रेंड्स बिल्कुल ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स, इसे आप घर पर आसानी से बनाकर अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। और अभी सर्दियों का ये बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसका यूज़ ना अपने प्लांट्स पर जरूर करें। और इस लिक्विड को आप ना बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है संतरे के छिलके। और अभी सर्दियों में ना सभी के घरों में संतरे आते हैं, और इन छिलकों को अगर आप फेंक देंगे ना तो इसके कुछ भी फायदे नहीं है। अगर इसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स पर कर लेंगे ना तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो संतरे के छिलके होते हैं हमारे प्लांट्स पर क्या काम करते हैं। जो संतरे के छिलके होते हैं फ्रेंड्स, इसमें विटामिन सी होता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी की पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, ये हमारी प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आपका इसका यूज़ अपने प्लांट्स पर एक बार कर लेते हैं ना तो आपका प्लांट जो है ना वो कभी खराब नहीं होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा, फ्लावर करेगा, बर्थ करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं ना हमारे प्लांट्स के लिए अमृत के समान है फ्रेंड्स। इन छिलकों को आप कभी फेंके नहीं, इसका अपना पाउडर बनाकर भी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, इसका अपना इस तरह से फर्टिलाइजर बनाकर भी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं ये, और ना इसका आप खाद बनाकर भी अपने प्लांट्स की मिट्टी पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, पाउडर बनाने के लिए इसको आपको अच्छे से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद इसे मिक्सी में पीस कर इसका बारीक पाउडर बनाकर अपना अपने प्लांट्स की मिट्टी पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी ना जो इस तरह के जो कच्चे छिलके होते हैं ना उसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर आपको अपने प्लांट्स पर बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसका यूज़ ना डायरेक्ट अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करेंगे ना तो आपके प्लांट्स की मिट्टी में ना फंगस वगैरह कीड़े वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आपको इसको ना इसका पाउडर बनाने के बाद ही अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है, या फिर इस तरह से जो हम लिक्विड अपने प्लांट्स को देते हैं ना, इस तरह से आप इसका लिक्विड बनाकर अपने प्लांट्स को जरूर दें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये जो लिक्विड है ना पहले से बनाकर रखा हुआ है, एक दिन पहले इसको मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड्स। और आप भी ना इसी तरह से एक दिन पहले इसको बनाकर रख सकते हैं, और ये जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो छिलके हैं ना फ्रेंड्स इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं ताकि ये जल्दी से फार्मेट हो सके। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे पीसेस कर देंगे ना तो जो फार्मेंटेशन की क्रिया है बहुत जल्दी हो जाएगी हमारे जो हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे ना उसमें। और हमें 1 लीटर पानी ले लेना है, और 1 लीटर पानी में देखिए फ्रेंड्स, ये ना ये जो है ना एक संतरे की छिलका है, तो आपको ना एक संतरा का छिलका 1 लीटर पानी में आपको इस तरह से इसको मिला लेना है, और इसको ना छाया वाले जगह पर एक दिन के लिए फार्मेट होने के लिए छोड़ देना है, और इसको ढककर इस तरह से ढककर इसको रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 1 लीटर पानी में ये जो फर्टिलाइज़र है ना पहले से बनाया हुआ है। और इसका यूज़ हमें कैसे करना है, इसे हमें नॉर्मल पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 लीटर हमारा जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है ना, इसमें हमें 1 लीटर पानी और मिलाना है। तो देखिए, आप जब भी कोई भी सब फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना अपने प्लांट्स के लिए, तो उसमें आपको नॉर्मल पानी ही मिलाकर ही अपने प्लांट्स को देना है, क्योंकि जो ये लिक्विड बनकर तैयार होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही गाढ़ा होता है। जब इसमें आप नॉर्मल पानी मिलाएंगे ना, ये तो बहुत पतला हो जाएगा, और हमारे प्लांट्स को अच्छे से ये मिल पाएगा। देख सकते हैं मैंने इसको छन्नी की सहायता से छान लिया है। अब इस लिक्विड को हमें कैसे करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना 1 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है, तो 1 लीटर ये जो है ना लिक्विड है, तो हमें क्या करना है, 1 लीटर जो लिक्विड है ना उसको 1 लीटर पानी में इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका ना आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका स्प्रे आपको कैसे करना है फ्रेंड्स, देखिए जो फूल खिले रहते हैं ना इस तरह से, उस पर आपको इसका यूज़ ना बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसका यूज़ ना प्लांट्स की पत्तियों पर करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है फ्रेंड्स। ये हमारे प्लांट्स में कीड़े मकोड़े अगर फंगस वगैरह रहते हैं ना उसको भी ये दूर करता है। तो देखिए इस तरह से अगर आप इसका ना छिड़काव करेंगे इस तरह से, देखिए तो आपके प्लांट्स पर ना कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह ना जो है ना बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसका यूज़ ना आप अपने फलों वाले फूलों वाले सभी पर कर सकते हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मिर्ची के कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, और ये जो है ना ये बटर के हैं, तो इस पर भी इसका हम स्प्रे कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने ना कुछ टमाटर के प्लांट्स लगाए हुए हैं, और देखिए फ्रेंड्स इसमें भी देखिए फल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ना इसका ना आप इस तरह से इसकी भी मिट्टी में हम इस लिक्विड को डाल देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस लिक्विड का जब यूज़ करते हैं ना अपने प्लांट्स पर, तो आपके प्लांट्स की मिट्टी में ना इस तरह से हल्की सी नमी होना चाहिए, और आपका प्लांट्स का जो मिट्टी है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, हल्की सी उसमें नमी होना चाहिए। अगर आपका प्लांट्स की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगा ना, सूखने के बाद आप पानी देंगे, तो आपकी जो प्लांट्स की पत्तियाँ हैं ना बिल्कुल पीली पीली पड़ के झड़ने लगेगी। तो देखिए, इस तरह से जब कोई भी सा लिक्विड देते हैं ना, तो आपकी प्लांट्स की मिट्टी में हल्का सा नमी जरूर होना चाहिए। तो ये जो लिक्विड है ना, हम इसमें भी दे देंगे। तो आपके जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं ना, उस पर इस लिक्विड का यूज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है ना, अभी सर्दियों में हमारे प्लांट्स के लिए अमृत के समान है। इसे इसका यूज़ ना आप अपने सब प्लांट्स पर जरूर करके देखिए, इसके फायदे आपके प्लांट्स को जरूर होंगे। जब ये जो छिलके होते हैं ना फ्रेंड्स, अच्छे से जब फार्मेट हो जाता है, अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वाइट है, लेकिन जब ये अच्छे से जब फार्मेट हो जाएगा ना, तो पानी का कलर देखना फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा। और जब इस तरह से हो जाता है ना, तो जो हमारा जो हम छिलके डाले हैं ना, वो पूरी तरह से फार्मेट हो जाता है, जो छिलके के जो गुण है पूरी तरह से पानी में आ जाते हैं। जो जितने भी हमारे जो छिलके में पोषक तत्व हैं, आयरन है, पोटेशियम है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। साइट्रिक एसिड है, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो पूरी तरह से पानी में आकर मिल जाता है। तो आपको ना इस तरह से जब हो जाएगा पानी का कलर, तभी आपको ना इस पानी को में पानी में नॉर्मल पानी मिलाकर ही अपने प्लांट्स में देने हैं। तो अभी सर्दियों में ना आप इन छिलकों का यूज जरूर करें अपने प्लांट्स पर, और जब इसका यूज कर लेंगे ना आप अपने प्लांट्स पर, तभी इसके फायदे आपको समझ आएंगे। तो मैं हमेशा इसी तरह का जो छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स पर डालते रहती हूँ फ्रेंड्स। मैं हमेशा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, किचन गार्डनिंग करती हूँ, और मैं केमिकल दवाइयों का यूज़ ना बहुत ही कम करती हूँ अपने प्लांट्स पर। तो आप भी इसी तरह से जो अभी सर्दियों में फलों के जो छिलके आते हैं, उसका यूज़ ना आप अपने प्लांट्स पर फर्टिलाइज़र बनाकर, खाद बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।